किसान भाइयों को सबसे पहला नमस्कार, सभी को राम राम। आज देखते हैं रूटर मैच में दिक्कत आ गई थी और ये आवाज़ कर रहा था खेत में चलता चलता। हमारे ताऊ जी हैं, ये मिस्त्री जी के पास आए हैं और अब इसे खुलवा के देख रहे हैं मिस्त्री जी क्या हिसाब किताब बनेगा, इसमें क्या दिक्कत है अंदर। तो भाई वीडियो में बने रहे हैं, पूरी वीडियो देख के समझे बात को और कमेंट करके बतावें कि मिस्त्री जी ने इसमें ठीक ठाक करा काम नहीं करा। अब देखिए खोल रहे हैं ये, सबसे पहले चिरवा पिन निकाल के दोनों चक्राट निकाल लेंगे। और मुझे लगा इसमें ये सीएल की वजह से हुआ है, सीएल नहीं था, सीएल है भी नहीं और हो भी बहुत गाढ़ा रहा। देखिए किसान भाइयों, 3.5 लीटर सीएल आ रहा है इसमें। हाँ कमी था, सीएल कमी था 140 नंबर का। दो भाई भैया, दो एमसील सर्वेश, दो एमसील दे दे भैया को। कर दे स्टार्ट, ये गराज निकाल दिए, ये बैरिंग टूट गया है इसका, ये देखिए क्या नंबर का पड़ा है जी बैरिंग, इसमें नंबर नंबर होता होगा। 6611 है, 6611 नंबर का। ये है रोटरी शक्तिमान, देखिए अब ये प्लेट निकाली जा रही है इसकी। तो मिस्त्री जी क्या क्या कहते कहते लिख देगी इसकी प्लेट बताओ थोड़ा। 19 नंबर के बोल्ट खोलने पड़ेंगे। अच्छा, दो बोल्ट ये 22 नंबर के। अच्छा, दो बोल्ट ये 22 नंबर के। हाँ, और 8 बोल्ट ये हैं यहाँ पर 24 नंबर के। अच्छा, यहाँ देखिए देखिए ये यहाँ कपलिंग के हैं, 8 बोल्ट हैं। अच्छा, ये 24 नंबर वाले बोल्ट हैं। ठीक ठीक, इन्हें खोल के तब बाहर निकलेगी। देखिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, बोल्ट खोले जाएंगे सारे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या दिक्कत थी। तो बने रहें वीडियो पर आप और देखिएगा आप आगे क्या होता है। ये खोलते हुए 19 नंबर का नट, बैरिंग बिल्कुल ये है, गोली टूटी है बैरिंग की। ये पूरी पत्ती खुलनी पड़ती है इसका, पूरा सेट रोटर वे शक्तिमान। और
यह शक्तिमान रोटावेटर, इसके रिपेयरिंग चल रही है, बैरिंग और सील गिरेगी इसमें। आप देख रहे होंगे ये लास्ट बोल्ट है इसका, पूरी खोल ली गई है प्लेट। ये रोटावेटर से अलग कर दी गई है, पैसे लॉक निकाल लेंगे। तो चला के देखना पड़ता है, निकल के दिए। कर चुकी है देखिए मिस्त्री जी, अब ये सामान जो इसमें से लिकड़ा है, साफ सफाई चल रही है इसकी, तो काय में धो रहे जी थे? ये डीजल में धो रहे हैं और इसका ये सीट बैरिंग की सीट चेक करवाएंगे। अच्छा, इस पर डाउट है, ये बैरिंग ढीला होने की वजह से भी तोड़ सकता है ये। अच्छा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये डाउन हो गया। अच्छा अच्छा, छोटे ले पानी मार ला। तो जैसे कि पता है इन्होंने, इसमें ये सील चेक करवाऊंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या हो रहा था इसमें क्या नहीं। मेरे मेन दिक्कत क्या थी इसमें, जरा बैरिंग टूट गया, उससे यही दिक्कत सारी। हाँ, उससे यही है, सीएल नहीं था इसके अंदर। और एक बात और बताओ, ये बैरिंग किस वजह से टूटता है? सीएल ना था, कम सीएल होने की वजह से। अच्छा, एक बता रहे हैं कम सीएल होने की वजह से ही बैरिंग टूटता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है भाई, ट्रैक्टर हो, रूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी वाहन हो, अपना मोबिल ऑयल और तेल चेक करके पानी जब भी लेकर चलें, ऐसा ना चलें कि बस चल दिया ताऊ जी की तरह हमारे कि सेल्फ मारा और लेकर चल दिए और बैरिंग टूटवा लिया अब, और अब पता नहीं कितना खर्चा होगा कितना नहीं, वो भी कुछ नहीं पता। तो इसलिए आदमी थोड़ा ढील कर दे, ढील का लापरवाही कर दे थोड़ा, देखता नहीं तो जो बात भाई देखनी चाहिए, अपना तेल पानी चेक करके ही चलें घर से कुछ भी चीज़ हो। और बने रहे वीडियो में, आगे भी दिखाऊँगे, ये सफाई चल रही है, डालते हुए दिखाऊँगे ना बैरिंग किस तरह डलेगा, आप वीडियो को देखते रहें, फिलहाल इतना ही है। बैरिंग और सील डाल चुके हैं, आप देख रहे हो कि
रही है ना बूंद लगाते हुए, लीकेज ना होने इसलिए लगाई जाती है। ये पैकिंग है इसके ऊपर, नया बैरिंग लगाया है। इसको ये फिट करते हैं यहाँ पे, ले बोल्ट बना 800 रुपये लगेंगे और दोबारा खाना वासन आते हैं यहाँ पीछे उनका वासन आ रहा। हाँ, इसे जैक की सहायता से ऊपर की तरफ उठाकर तब सेट करें जिससे कि बोल्ट के आमने सामने लाने में दिक्कत ना हो। बहुत ही 19 की नहीं क्या 19 की, ये 19 नंबर के नट है, बोल्ट है ये पीछे नट लगेगा। ये 19 नंबर के 8 नट है नट बोल्ट, इन पे वासर लगाने के बाद उठाओ हल्की एक एक करते मामूली आप देख रहे होगे। ये लोक वाले नट है, बोल्ट खींचते ही अपने आप लोक हो जाएंगे, इसमें प्लास्टिक की रबड़ होती है। पहले सभी नट लगा ले उसके बाद एक एक करके टाइट करने हैं आपको। एक एक करके खींचना है आपको 19 नंबर के चाबी की के साथ। नहीं नहीं ये वाला, ये आगे नीचे वाले दो बोल्ट है, आगे से चाबी लगेगी, मैंने गरारी नहीं बोल सकते। एक एक बोल्ट को टाइट करते इनको बिल्कुल भी ढीले ना छोड़े, रोटरी का काम है खेत का। पहले प्लेट लगा कर ये बोल्ट टाइट करने के बाद पहले ये 8 बोल्ट लगाने चाहिए। यहाँ पे दिखाओ दर्शकों को, ठीक ठीक समझ में आना चाहिए किसान भैयों को, ये बोल्ट लगाने चाहिए और ये कैप भूल लेनी चाहिए, ये होनी चाहिए यहाँ पे, ये 8 के 8 बोल्ट हाथ से चढ़ा ले। हाथ से चढ़ाने के बाद जब ये सेंटर के बोल्ट लगाने चाहिए, ये सेंटर बोल्ट है साइड में जो खींच रहे हैं भैया, चलिए
आवाज से हो जाए ना तुरंत भोकन लगे बोल्ट यहीं का है लगा दो इसको यहाँ क्या लगे दिखा यहाँ दिखा पिछले एक बार तो छोटी गाड़ी है ऊपर तीनों गाड़ी तीनों गाड़ियों का फेस बराबर होना चाहिए कि चकनट है इसका ये गरारी सीधी देखो सीधी अगर उल्टी का पता ना चले तो ये तीनों के फेस बराबर होने चाहिए। अब ये चकनट टाइट करेंगे हम नया बैरिंग हमने घेरी दिया था दिखाया था आपको इसका कुछ नहीं बिगड़ा है तो रुकेगा कल को भाग तो बोलते स्पीड पिन घेरेंगे ये गेर दी स्पीड पिन देख रहा है साहब इसका वो तो करते हैं ये देख भी अरे ये तो देख रहा है हाँ सही लगा रहा था स्पीड पिन है ऐसा लॉक कर दें ये चकनट को घूमने नहीं देगी बस हाँ अब हम इसका कवर लगाएंगे ये इसका कवर है इसी साफ किया गया है अच्छी तरीके से ये है ना बोल्ट लगा लेनी चाहिए लीकेज ना हो इसको कवर लगा दिया गया है इसके बोल्ट को बनाते हुए इसमें और हमने आपको दिखाया है पूरी वीडियो में पूरा काम है इसमें जहर मोरा बताओ इसमें बोल्ट लगाते हुए लास्ट प्रोसेस पर है वीडियो आप देख रहे होंगे और पूरी वीडियो में हमने एक
पॉइंट बताया है आपको, जो भी इसमें कमी थी रिकॉर्ड कराता हुआ। ये बोल टाइट करते हुए कवर लगा दिया गया है, वाशर टूटनी चाहिए। एक बस दीपक ले, एक मटर बोल्ट दोनों ले आओ, खत्म से जो रहा है कटा हुआ है बस का ऊपर लगाऊंगा। तो तेरा नंबर का गुड काउट टी के साथ खेच तो ये चाबी पीछे लगानी देनी है आपको। इन बोल्टों को जरा थोड़ा हिसाब से खींचेंगे, इसमें पैकिंग होती है रबड़ की, रबड़ की पैकिंग है, ज़्यादा दाब पे बाहर निकल जाएगी। दीपक भाई खुद चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। और आगे भी हम आपके लिए अनेक वीडियो लाते रहेंगे, रोटरी वगैरह ट्रैक्टर जो भी हमारे पास काम आता है। और हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हुई है बहुत, आप देख सकते हैं। ओए दूसरा सोनालिका, स्वराज, आईसर, कोई सा भी ट्रैक्टर हो सभी की वीडियो डाली हुई है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है एंड सब्सक्राइब। ये वोल्ट फ्री हो गया, ये नीचे एक न्यू बोल्ट डालना पड़ा है जिससे घिस जाता है रूटी चलते खेत में सब। और ये साइड में बोल्ट हमने पूरे टाइट कर दिए गए हैं, इनकी खिंचाई चल रही है। इसमें अंदर की तरफ चाबी लगानी पड़ती है। अंदरली साइड का बाप ये चले सर पानी है। रोटरी का काम पूरा अपना प्रक्रिया समाप्त की तरफ है और बस बाकी अब इसमें सील डालना बाकी रहेगा है। एक एक बोल्ट हमने बहुत अच्छी तरीके से टाइट किए हैं, आप देख रहे होंगे।
45 नंबर ग्रेड डलता है इसमें। सीएल है एचपी लुबिसेन कंपनी का है ओरिजिनल, और आप नंबर देख सकते हैं। 1 लीटर का पैकिंग है ये, इसकी पैकिंग है सीएल की, एचपी कंपनी का 140 नंबर में। ये अच्छा तेल है, बढ़िया कंपनी का, और लोकल तो डालना ही नहीं चाहिए। इसकी डाट निकाली हमने, अब डाट खोल कर अब डालेंगे इसमें। हवा बन चुकी थी साइड में, इसमें डाट होती है वो खोल लेने से गैस निकल जाती है। राम राम से धीरे धीरे से ये साइड में जो हमने गैस निकालने के लिए खोला जिसको अब लगा देनी चाहिए। नहीं लेवल गेज ना पे है, ओयल निकलेगा इसमें ये देखिए, ये 8 के 8 वोल्ट ये अच्छे तरीके से टाइट होने चाहिए। ये 24 नंबर के बोल्ट हैं, रात का समय है दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये 8 के 8 वोल्ट अच्छे तरीके से टाइट होने चाहिए 24 नंबर के, और अभी ये बोल्ट लूज है। ये हमने तेल पूरा कर चुके हैं इसमें, ये देखे लेवल पूरा होने पर देखे ये ऑयल निकलेगा यहाँ से, लेवल पूरा होगा ये ऑयल का लेवल पूरा होगा इसका, ये लेवल गेज है इसका, ये जरूर चेक करते रहना चाहिए। और अगर टाइम पर इसको कुछ समय के पश्चात चलाने के बाद तेल तो पूरा होना ही चाहिए, ताकि बैरिंग सील सब अच्छी तरीके से रहे, नहीं तो टूट फूट हो जाती है इसमें अंदर। और इसका पूरा काम हो चुका है, सभी किसान भाई जो भी दर्शक है देखने वाले यही कहना है कि हमारे चैनल से जुड़े, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक और अन्य वीडियो के साथ मिलेंगे हम आपको। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।